और चलिए बढ़ते आगे कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के साथ फिर से मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों को घेरे हुए हैं जवान और इलाके में जवान मौजूद है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और कल मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आपको एक बार फिर से बता दें, नक्सलियों के साथ एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और बीते दिन भी हमने देखा था कि जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। तो बता दें कई नक्सलियों को जवान अभी घेरे हुए हैं और बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, इस मुठभेड़ की बात की जाए तो क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए, कल ये जो मुठभेड़ हुई थी वो मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लगभग 1439 जवानों को यहाँ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए निकाला गया था। ये जवान अभी भी उस टेका मेटा और काकुर के जंगल में हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। जवान अभी भी वहां मौजूद है, रात को उन्होंने वहीं बिताया है। और रात्रि 3 बजे ये बड़ा अपडेट सामने आया कि रात्रि 3 बजे एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें गोलीबारी हुई, कुछ देर तक गोलीबारी हुई, इसके बाद फिर गोलीबारी शांत हो गई। अभी भी जवान उस जंगल में है, 5 नक्सली कर मारे गए थे, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। उन नक्सलियों के शव को आज संभवतः, हो सके तो पुलिस अधिकारियों का कहना है आज संभवतः अगर जवान वापस लौट आए तो उन शवों को भी वापस लाया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि वहां पर अभी भी एक बड़ा नक्सली लीडर जो कि सीसी मेंबर है प्रभाकर, जो कि वहां मौजूद है, उसे जवानों ने घेरा हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुठभेड़ फिर से हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें महाराष्ट्र की C16 फोर्स अपने बॉर्डर इलाके को घेरी हुई है, इधर नारायणपुर का इलाका और इधर कांकेर का इलाका। तो तमाम जो जवान है अभी भी उसी जंगल में है, नक्सलियों को घेरे हुए है। थोड़ी ही देर में और कुछ जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि ये मुठभेड़ अभी भी है, जारी है। जो इलाके शांत हो गए उस इलाकों में सर्चिंग की जा रही है और कुछ जगहों पर चेक किया जा रहा है कि आखिर कहीं कोई नक्सली मरा तो नहीं है या नक्सल कुछ सामग्रियां बरामद तो नहीं है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि नक्सली प्रभाकर अभी भी वहां मौजूद है, जवानों ने उसे घेर रखा है। कुछ भी हो सकती है, कभी भी मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि रात्रि 3 बजे जिस तरह से अंधेरे में गोलीबारी हुई तो अंधेरे को अब जब उजाला हो चुका है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार नक्सली जवानों को जहां पर ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है जवानों की तरफ से, वहां पर कितने नक्सलियों के मौजूदगी की जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जी देखिए, जो प्राथमिक जानकारी निकल कर सामने आई थी उसके अनुसार यही था कि लगभग 25 से 30 की संख्या में माओवादी वहां पर हैं। देखिए माओवादी 25 की 30 संख्या में हो या 50 की संख्या में हो, लेकिन माओवादी जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं उसे लेकर सरकार हमेशा से लामबंद रही है और सरकार यही चाहती है कि नक्सलियों को जो है बैकफुट पर धकेला जाए। उसका यही परिणाम है कि लगातार माओवादी भी मरते जा रहे हैं, जवान अंदर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जवानों की कार्रवाई से घबराए हुए हैं या क्यों कहें कि मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, वो मुख्य धारा से भी जुड़ते जा रहे हैं और लगातार इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम इस तरह से सामने आ रहा है कि मुठभेड़ हो रही है उसमें 31 माओवादी मारे जा रहे हैं, 29 माओवादी मारे जा रहे हैं, 11 माओवादी मारे जा रहे हैं। कल जो मुठभेड़ हुई उसमें 5 माओवादी मारे गए, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी होने के लिए कुछ बातें सामने आ रही है। जिस तरह से हथियार राइफल बरामद हुए, SLR और इंसास राइफल बरामद हुए, ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है कांकेर पुलिस के लिए, बड़ी सफलता है। और ये सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है, देखने वाली बात होगी, चूंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, इसमें आगे और क्या कुछ होगा नजर आप बना रखिएगा नीरज, आगे भी अपडेट लेके। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बीड़ा से बड़ी खबर, बुजुर्ग शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। नीलेश कुशवाहा नाम के शख्स पर आरोप लगा है और 15 तारीख से घर से ये बुजुर्ग लापता था। तो बता दें पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बीना के आगासौद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बीना से मिल रही है, बुजुर्ग शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है और नीलेश कुशवाहा नाम के शख्स पर हत्या के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 15 तारीख से घर से ये बुजुर्ग लापता चल रहा था, इसका नाम उधम रजक बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है, आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है और बीना के आगासौद थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए बुजुर्ग शख्स की हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतारा गया। तो नीलेश कुशवाहा नाम के शख्स पर ये आरोप लगा है और 15 तारीख से ये बुजुर्ग लापता भी चल रहा था। हमारे पिताजी का वो मर्डर हो गया। किसने किया, कोई जानकारी है इसकी? जी नीलेश कुशवाहा। तो कब की घटना है ये? अब हमने तो सुबह देखा है सर,
सुबह 8 8:30 बजे देखा है, उसी के घर में मेरा तबा शाम मिली सौ मिला है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जी। नाम दर्ज आरोपी साथ में जी सर। कितने आरोपी बनाए गए? एक ही आरोपी है वही। क्या कोई मतलब पुरानी रंजिश थी उससे? नहीं, उससे कोई रंजिश नहीं थी। हमारे पिताजी 60 साल की उम्र थी उनकी, सीधे सच्चे थे, किसी से ना बात भी ना विवाद। बालोद जिले के कई स्कूलों में शिक्षकों की पहले ही कमी है, और सोचिए कि अगर स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक रिटायर हो जाएं तो स्कूलों का क्या हाल होगा। लेकिन बालोद जिले के एक टीचर की पहल इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल भरदा कला शासकीय उच्चतर स्कूल से हाल ही में रिटायर टीचर उपासना चंद्राकर रिटायर होने के बाद भी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाती हैं। उपासना चंद्राकर के इस पहल की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। उपासना चंद्राकर साइंस डिपार्टमेंट में बायोलॉजी की लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी। उपासना चंद्राकर का कहना है कि वो स्कूल में शिक्षकों की कमी से अवगत थी, और इसलिए वो स्कूल के प्रिंसिपल की अनुमति से उन्होंने रिटायर होने के बावजूद भी स्कूल में पढ़ाने का काम जारी रखा। हमारे स्कूल में वैसे टीचरों की बहुत कमी है, हिंदी के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के भी नहीं है, बायो वाली मैम उनका मई में रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन वे फिर भी हमें पढ़ाने के लिए आती है। उनके पास कई बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने ट्यूशन ना पढ़ाकर हमें स्कूल में आकर पढ़ा रही हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता कर रही हैं। हमारे मैम चंद्राकर मैम का मई में ही उनका रिटायरमेंट हो चुका है, फिर भी जो मतलब कि हम लोग सोचा कि हम लोग मतलब कि मैम के रिटायरमेंट के बाद हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, तो हम लोग ने मैम को रिक्वेस्ट किया कि मैम हम लोग को कोचिंग दे दो बायो का। फिर मैम उन कोचिंग के लिए मना कर दी, उसके बाद मैम हमारे स्कूल में ही आकर हम सभी को पढ़ा रही है। उसके लिए हम मैम का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैम ने जो हमारे लिए अभी कर रही हैं हमारे फ्यूचर के लिए, उसके लिए धन्यवाद भी छोटा है, फिर भी धन्यवाद मैम। मैम रिटायर होने के बाद भी हमें पढ़ा रही है, आज भी पढ़ा रही है, और पढ़ाने के बाद भी हमारा आज भविष्य को देखते हुए आज हमारा भविष्य बना रही है। मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो रिटायर होने के बाद भी हमें पढ़ाने के लिए आ रही है। थैंक यू मैम। चंद्राकर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूँकि हमारे संस्था के वरिष्ठ लेक्चरर रहे हैं और भावी प्राचार्य के पर ये भी विद्यमान होने वाले थे, लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मैडम के द्वारा अनुरोध किया गया, और हम सब खुश हैं उनके सहयोग करने से, क्योंकि बच्चों को जीव विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिला। मेरी स्व इच्छा है, और मैं जिस दिन रिटायर हुई उस दिन प्रिंसिपल सर जो है सेवानिवृत्ति के संबंध में मुझे बोले, तो मैं बोली कि नहीं, मुझे प्रशासनिक रूप से सेवानिवृत्त न किया जाए, मैं यहाँ अपना स्व इच्छा से निःशुल्क सेवा दूंगी, और बच्चों को जो पढ़ाने का है वो मैं पढ़ाऊंगी। और प्रिंसिपल सर ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और मुझे अनुमति प्रदान किए, और मैं आज बच्चों को सेवा दे रही हूँ।